हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज है जन्माष्टमी, जिसके लिए मैं बना रही हूँ कान्हा जी का प्रिय भोग धनिया की पंजीरी। तो जिसके लिए मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ एक कप। इसमें जाएगा हमारा बूरा। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप देसी खांड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पिसी हुई चीनी यूज कर सकते हैं। आधा कप इसमें डाल रही हूँ मैं मिक्स किया हुआ ड्राई फ्रूट, जो है काजू और बादाम हमारा चॉप किया हुआ। 6 टेबलस्पून इसमें जा रहा है हमारा देसी घी और आधा कप इसमें जा रहा है हमारा नारियल कसके। इसको हमने ग्रेट करके डाला हुआ है। अगर आपके पास सूखा नारियल दूसरे वाला है मार्केट वाला, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं आधा कप। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है आपकी। सबसे पहले एक पैन में जो हमारा घी है, इसमें से लेंगे थोड़ा सा घी और मीडियम फ्लेम पे आप अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लीजिए। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, पिस्ता, अखरोट, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। आधा कप आपको ड्राई फ्रूट डालना है, कोई भी डालिए। ये हमारा ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया। इसको निकाल रहे एक बड़े बाउल में हम अलग। इसी पैन में अब हम करेंगे अपने नारियल को रोस्ट लो फ्लेम पे बिल्कुल। इसको आपको हल्का सा ब्राउन करना है। नारियल भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसको भी निकाल रहे इसी पैन में हम अलग। अब इस पैन में डालेंगे हम अपना बचा हुआ घी और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप अपने धनिए को अच्छे से भूनेंगे। एक फ्रेग्रेंस आने तक आपको इसको लो फ्लेम पे भूनना है। हमारा धनिया भी रोस्ट हो गया, फ्लेम को हमने कर दिया बंद और इसको डाल रहे हम इसी बाउल में। जब ये आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर हम मिक्स करेंगे हमारा बूरा। इसके ठंडा होने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा जो हमने रेडी किया था धनिया का, ये ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर डाल रहे हम अपना बूरा या खांड और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी धनिया की पंजीरी रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।